दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं ये अनोखी एगलेस कुकीज़। क्यों लग रही है ना, ये बिल्कुल स्वादिष्ट और परफेक्ट। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये बिना किसी ओवन यूज़ किए बनी है। जी हाँ, ये चारों कुकीज़ हमने बस एक कॉमन कुकी डो से बनाई है, जो बिल्कुल एगलेस है। ना कोई मेजरिंग स्केल यूज़ किया है, ना कोई बीटर। हमने इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का भी यूज़ नहीं किया है, और ये बिल्कुल झटपट भी बन जाती है। तो ये रेसिपी तो ज़रूर बनानी बनती है। अगर आपको और ऐसी अनोखी रेसिपीज चाहिए हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद एके में। या सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और एक कोई भी कटोरा या बोल ले लेंगे। ये बोल हमारे मेजरिंग के लिए काम आएगा, तो आपके घर पे कोई भी बोल हो यह ले लीजिएगा। या हमें सबसे पहले पाउडर्ड शुगर चाहिए होगा, तो एक मिक्सी में मैंने थोड़ी चीनी ली थी और उसे ग्राइंड कर लिया है। तो हम यहाँ एक बोल पाउडर्ड शुगर पूरा भर लेंगे और उसे ये बर्तन में डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ चिल्ड रेगुलर सॉल्टेड बटर लिया है और उसे भी ये पूरा सेम बोल जिससे पाउडर चीनी डाली थी उसमें पूरा एक बोल मेजर कर लेंगे। यहाँ ये चीज इम्पोर्टेंट है कि इस बटर को चिल्ड मतलब हार्ड होना चाहिए, ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी पूरा एक बोल भर के डाल देंगे। अभी एक विस्क लेंगे और पहले इस बटर को ऐसे स्मैश करेंगे। ये जब ऐसे स्मैश हो जाए तो अब यहाँ इसे विस्क करना शुरू करेंगे। या आपको कोई भी बर्तन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस विस्क से ही काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ी हाथों की कसरत होगी, लेकिन यकीन मानिएगा इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस इसे हम विस्क करते रहेंगे, ये बटर अपने आप सॉफ्ट होने लगेगा। इसे हमें तब तक विस्क करना है जब तक ये शुगर बटर के साथ पूरा मिल नहीं जाता और बटर एकदम फ्लफी नहीं हो जाता। आप यहाँ देखोगे कि इसका कलर भी येलो से अभी पूरा पेल येलो या व्हाइटिश हो गया है। आपको इसे बिल्कुल यीस्ट एज तक विस्क करना होगा। इस स्टेप को करने में आपको 7-8 मिनट लग जाएंगे। इसे अब साइड पे रख देंगे। यहाँ मैंने और एक नया बर्तन लिया है और वो सेम बोल लिया है जिससे शक्कर और बटर डाला था। ये बोल से मैंने दो बोल मैदा डाल दिया है। इसे भी साइड पर रख देंगे। अभी हम पहले चॉकलेट ओवरलोडेड कुकीज की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने ये सारी जो कॉमनली अवेलेबल चॉकलेट्स मिलती है वो ली है। तो यहाँ मैंने एक छोटी डेरी मिल्क को ऐसे छोटे ब्लॉक्स में काट लिया है, 5 स्टार को काट लिया है। इन कुकीज में ये 5 स्टार बहुत ही अच्छा चॉकलेटी और सॉफ्ट कैरेमल का फ्लेवर देता है, तो ये जरूर यूज कीजिएगा। एक छोटे किटकैट को काट के डाला है और ये आधी पग डाली है। इन सबको ऐसे एक बोल में रखेंगे और अब हमने जो मैदा मेजर किया था उसे 3 बड़ी चम्मच मैदा डाल दिया है इसमें। यहाँ आपको ये प्रॉपर मेजरिंग स्पून की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके पास घर में जो स्पून हो आप उसका भी यूज कर सकते हो। बस इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसी सेम स्पून से यहाँ जो बटर और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो 2 बड़ी चम्मच डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे आप हाथों से मिलाओगे तो और ज्यादा मेस भी नहीं होगा और ये आसानी से अच्छी तरह से मिल भी जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, इसे अच्छे से हाथों से ही मिलाइए। यहाँ मैंने और 1 बड़ी चम्मच मैदा डाल दिया है और अब ये एक डो जैसा फॉर्म होने लगा है। इसे आपको नीड नहीं करना, बस मिलाना है जब तक ये एक डो टाइप नहीं बन जाता। इसमें बस 1 आखिरी बड़ी चम्मच मैदा डाल देंगे, मिलाएंगे और ये आपका चॉकलेट ओवरलोडेड कुकीज का डो बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अब इसमें 1 छोटी चम्मच दूध डाल देंगे, आपने जो 1 बड़ी चम्मच यूज की थी उसका 1/3 क्वांटिटी। आपको स्टार्टिंग में ये स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे मिलाएंगे तो ये ऐसा एक स्मूथ डो में बन जाएगा। याद रखिएगा, इसे आपको ज्यादा नीड नहीं करना। तो बस आपका ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है। उसे एक कपड़े से कवर करके फ्रिज में डाल देंगे ताकि वो डो फर्म हो जाए और उसे रोल करने में आसानी हो। यहाँ सब कुकीज के लिए ये बेसिक स्टेप सेम रहेंगे, बस मेन इंग्रेडिएंट्स चेंज हो गए। तो चलिए अब बनाते हैं चिली चीज कुकीज। मैंने यहाँ 1/4 छोटी चम्मच से 2 बार रेड चिली पाउडर डाला है और यहाँ मैंने अमूल चीज ग्रेट करके रखा है। यहाँ अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हो गए। अभी ठीक लास्ट स्टेप की तरह मैंने यहाँ 5 बड़ी चम्मच मैदा डाल दिया है और 2 बड़ी चम्मच वो बटर और चीनी का मिक्सचर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक ये एक डो की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। याद रखिएगा, इसे नीड नहीं करना, बस मिलाना है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच दूध डाल देंगे, मतलब 2 बड़ी चम्मच यूज की थी उसका 1/3 क्वांटिटी, और ये आपका बिल्कुल स्मूथ डो तैयार है। इसे भी कपड़े से कवर करके फ्रिज में डाल देंगे फॉर्म होने। अभी बनाएंगे हम मसाला चाय कुकीज। इसमें पहले 1 छोटी चम्मच दूध डाल देंगे और यहाँ मैंने मसाला चाय का पाउडर लिया है, आप कोई भी चाय मसाला यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1/2 छोटी चम्मच भर के ये मसाला लिया है और उसे दूध के साथ अच्छे से मिला लिया है।
अभी ठीक लास्ट स्टेप की तरह इसमें 5 बड़ी चम्मच मैदा डाल देंगे और 2 बड़ी चम्मच ये बटर और चीनी का मिक्सचर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये आपका डो तैयार है। इसमें आधी छोटी चम्मच और चाय मसाला डाल देंगे और ये एक बार मिला लेंगे और ये आपका डो तैयार है। इसे भी फ्रिज में डाल देंगे। आखिरी टाइप की कुकीज बना लेंगे अब केसर बादाम। यहाँ मैंने एक फॉइल का टुकड़ा लिया है और इसमें मैंने 15 से 18 केसर स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं। इसे ऐसे एक पैकेट में फोल्ड कर लेंगे और इसे ऐसे एक छोटे बर्तन में डाल के अच्छे से गर्म करेंगे। ये करने से क्या होगा कि केसर अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएगा और दूध में डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से दूध में आ जाएगा। तो इसी बर्तन में मैंने एक छोटे चम्मच दूध डाल दिया है और अब इस केसर के पैकेट को खोलकर इसे ऐसे क्रश करके दूध में डाल देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी उसका कलर इस दूध में आ गया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर साइड में रख देंगे फ्लेवर को इन्फ्यूज होने। यहाँ मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं और उसे ऐसे स्लाइसेस में काट लिए हैं। ठीक ऐसे ही सारे बादाम को काट लेंगे और इन बादाम को इस दूध में डाल देंगे। अभी ठीक लास्ट स्टेप की तरह इसमें 5 बड़ी चम्मच मैदा डाल देंगे और इसी के साथ आपका पूरा मैदा खत्म हो जाएगा। और इसमें 2 बड़ी चम्मच बटर और चीनी का मिक्सचर डाल देंगे और इसी के साथ आपका ये बटर और चीनी का मिक्सचर भी खत्म हो जाएगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये आपका डो तैयार हो गया है। इसे भी कपड़े से कवर करके फ्रिज में डाल देंगे फर्म होने। हम यहाँ पर बेकिंग के लिए कुकर का यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ये सेटअप लगाना होगा। मैंने ये रेसिपी पहले बहुत बार ट्राई करके आपके लिए ये परफेक्ट रेसिपी बनाई है, इसलिए इस नमक और कुकर का कलर चेंज हो गया है। तो आप भी एक बड़ा कुकर लेना, अच्छे से नीचे नमक बिछा लीजिएगा। ये मैंने लगभग 1/2 किलो जितना नमक डाला हुआ है, उसे अच्छे से फैला लेंगे। इसके ऊपर एक कटोरी या स्टैंड डाल देंगे ताकि जिस प्लेट पर हम ये कुकीज रखें वो डायरेक्ट नमक के कांटेक्ट में ना आए, वरना वो कुकीज नीचे से जल जाएगी। इसलिए यहाँ एक स्टैंड या कटोरी बहुत जरूरी है। इस पर ये प्लेट रख देंगे जिसके ऊपर कुकीज डालेंगे और कुकर का लिड डाल देंगे उसके रिंग निकाल कर और इसकी सीटी निकाल लेंगे। तो अब इसे गैस पर चढ़ा देंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। इस लिड को लगा लेंगे उसकी रिंग निकाल कर और यहाँ पर कुकर की सीटी नहीं लगानी है हमें। इसे अब प्री हीट होने देंगे 12 मिनट के लिए। तब तक हम इस प्लेट को लेंगे और क्योंकि सबके घर पे बटर पेपर अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ फॉइल का यूज़ किया है। आपके पास अगर बटर पेपर हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ मैंने इस फॉइल को काट लिया है और इसे प्लेट पर अच्छे से डाल दिया है। अभी एकदम जल्दी से हम यहाँ कुकीज को शेप कर लेंगे। तो यहाँ पहले एक फ्लैट बर्तन लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा मैदा डाल देंगे। यहाँ मैंने पहले चॉकलेट ओवरलोडेड कुकीज का डो लिया है फ्रिज में से निकाल कर। ये डो जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसे प्रेशर देकर थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और रोलिंग पिन से उसे ऐसे बेल लेंगे। आपका डो अगर थोड़ा क्रैक होने लगे तो इसे फिर से मिलाकर फिर से रोल कीजिएगा। यहाँ नीचे अच्छे से मैदा डालिएगा वरना ये डो नीचे से चिपक जाएगा। तो इसे ऐसे फ्लिप करके रोल करेंगे जब तक ये ऐसा नहीं दिखता। इसे थोड़ा हाथ की मदद से शेप कीजिएगा। इसे आपको बहुत थिन नहीं करना और बहुत थिक भी नहीं करना, बस मीडियम थिकनेस जितना रोल करना होगा। घर पे सबके पास तो कुकी कटर होता नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक ग्लास का यूज किया है। आप चाहिए तो एक कटोरी का भी यूज कर सकते हो। तो इसे ऐसे प्रेशर लगा के काट लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे और ये देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट कुकी रेडी है। इसे ये प्लेट पर रख देंगे और इस बाकी के डो को फिर से मिलाकर ये स्टेप रिपीट करेंगे। आपके ये एक पार्ट डो से आराम से 3 बड़े कुकीज बन जाएंगे। ठीक इसी तरह मैंने यहाँ चिली चीज कुकीज को भी शेप कर लिया है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट पर 3 कुकी रख दिए हैं। याद रखिएगा इन कुकीज के बीच में आप थोड़ा स्पेस रखिएगा। यहाँ मैंने इस चिली चीज कुकीज पर फोक की मदद से एक डिजाइन टाइप दे दिया है। ये अब 12 मिनट बाद ये कुकर प्री हीट हो गया होगा। तो इन कुकीज को संभाल कर ऊपर डाल देंगे और कुकर का लिड लगा देंगे उसका रिंग निकाल कर और बिना सीटी के। इसे मैंने 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर बेक किया था और फिर फ्लेम को लो करके इसे और 5-6 मिनट तक बेक किया था। आप यहाँ पर बीच में एक बार चेक कीजिएगा, अगर कुकीज का नीचे से कलर आ गया हो और ऊपर एक हल्का लाइट ब्राउन कलर आ गया हो तो कुकीज को निकाल लीजिएगा। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैंने यहाँ केसर बादाम कुकीज को रोल करके उसको ऐसे रेक्टेंगल में काट लिया है और ये मसाला चाय कुकीज के डो को लेकर उसे ऐसे टी बैग के शेप में काट लिया है और इसको कुकर में डालने से पहले ऊपर एक होल कर दिया था। और ये आपकी कुकीज बेक होकर तैयार है। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट बेक हुई है। ऊपर से लाइट ब्राउन कलर आया है और नीचे से अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है।
ये आप जैसे ही कुकर से निकालोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सॉफ्ट लग रही है, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, इसके ऊपर ऐसे अच्छा कलर आ जाए तो उसे निकाल लीजिएगा, उसे आप थोड़ा ठंडा होने देंगे तो वो अपने आप फर्म हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल लाइट है और एकदम परफेक्ट क्रम्बली है, तो इसे बनाना तो ज़रूर बनता है, तो बनाइए इसे और मज़ा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके को।